हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीडे विद रिचा। दिस इज़ ऑल अबाउट डीआईवाई डेकोर एंड गार्डनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और इस कोरोना की नई लहर से आप सब सुरक्षित होंगे। तो ये लहरें तो आती जाती सी रहेंगी, अब शायद ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गई हैं, जैसे हमारा गार्डन। तो ये है मेरा गार्डन, फिलहाल विंटर्स की मार झेलता हुआ। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सही मायने में बताऊँ तो आजकल मैं भी थोड़ी सी नेगलेक्टेड हो गई हूँ गार्डन को लेकर। इतना आ नहीं पाती, ऊपर ठंड हो जाती है इतनी, तो थोड़ा सा मैं केयरलेस सी हो गई हूँ अपने प्लांट्स को लेकर। तो खैर कोई बात नहीं, मौसम आएगा दोबारा तो हम फिर अपने काम में लग जाएंगे। तो आज मैं आपको अपने गार्डन का एक और थोड़ा छोटा सा जनवरी का ओवरव्यू देने वाली हूँ कि इस टाइम मेरे गार्डन में क्या क्या खिला हुआ है और कौन कौन से मैंने प्लांट्स मंगवाए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से ये जो मेरी ग्रीन ग्रास की मैट थी वो हटा दी है, क्योंकि इतनी धुंध पड़ती है और बारिश की वजह से आप देख सकते हैं ये टाइलें अब भी कितनी गीली हैं सारी। तो अगर मैं यहाँ पर मैट को बिछी रहने देती तो ये जो सारी इसका मॉइस्चर है वो नीचे लेंटर में जाता और जो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने फॉर अ टेम्परेरी इसको यहाँ से मैट को मैंने उठा दिया है। और जब मौसम दोबारा फेवरेबल होगा तो मैं दोबारा यहाँ पर मैट को स्प्रेड कर दूंगी। तब तक ये मेरा गार्डन का थोड़ा सा व्यू है, आप देख सकते हैं सब प्लांट्स वैसे ही हैं, कुछ खास चेंज नहीं किया मैंने इस बार और विंटर गार्डन भी शुरू नहीं कर पाई अच्छे से, बस कुछ ही प्लांट्स मंगवाए हैं। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये है सन वाले प्लांट्स मेरे सारे। ये देखिए ये कोलियस हैं, ये कितने कुछ तो काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। आजकल हमारे यहाँ मंकीज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं तो उसकी वजह से बस वो आते हैं और जो है पौधे उनको सबको ख़राब करके चले जाते हैं। ये कितना अच्छा, काफ़ी अच्छे बुशी हो गया था वो सारा, देखिए तोड़ गए हैं यहाँ से। अभी मैंने खैर दोबारा इसकी कटिंग्स लगाई हैं और होपफुली वो जल्दी चल जाएंगी। ये पीछे आप देख सकते हैं गेंदा, ये शायद मैंने पहली बार अपने गार्डन में गेंदे के फूल देखे हैं, क्योंकि बंदर तो इसकी कलियाँ ही खा जाते हैं, फूल तो आने की नौबत ही नहीं आने देते। उसके बाद ये मेरा अपराजिता का, पीछे वो बोगनवेलिया है ये देखिए, और कुछ प्लांट्स तो अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, मैं रिपोर्ट भी नहीं कर पाई हूँ इन्हें प्रॉपरली। और ये ऐसे ही देखिए कितने अच्छे रफ उसमें ही ब्लूम कर रहे हैं। ये डायंथस है, आप देख सकते हैं ये इसके कितने सारे खूबसूरत कलर हैं। ये पैंसी है, इसे मंकी फ्लावर भी कहते हैं, इसके दो कलर यहाँ भी हैं, ये देखिए स्टैंड में। ये येलो वाइब्रेंट कलर, देखिए इसका फेस ऐसे एकदम मंकी के लुक जैसा आता है, आज मंकी की काफ़ी बातें हो गई हैं। ये देखिए ये वाइट कलर का है, कितना सुंदर फ्लावर है इस तरह। ये पीछे मेरी स्वीट पोटैटो वाइन है, वैसे ये डॉर्मेंसी में चली जाती है काफ़ी हद तक, अभी काफ़ी डल हो गई है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल सीज़न आएगा मैं यहाँ से यहाँ आगे से कट करके इसको फिर से लगा दूँगी तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। बाकी मैंने यहाँ पे जो मेरी नियॉन पोथोस की बास्केट्स थी उसको ठंड से बचाने के लिए मैंने निकाल कर उन्हें यहाँ पीछे रख दिया है, लेकिन फिर भी उन पर ठंड की मार पड़ी रही है थोड़ी बहुत सी। तो बाकी ये प्लांट्स सब डॉर्मेंसी में चले जाते हैं इस टाइम। यहाँ पर जो मेरे कैलीथियास थे वो मैंने हटा के अंदर कवर्ड शेड में रख दिए हैं। बाकी इस टाइम मेरा ये जो प्लांट है काफ़ी अच्छा वो कर रहा है, यूजली मैंने सर्दियों में ख़राब हो जाता है लेकिन इस बार अभी तक तो ठीक है। और बाकी देखिए सब वही है, कुछ खास चेंज नहीं किया मैंने इस बार, बस टाइम ही नहीं लगा और कुछ सर्दी इतनी ज़्यादा है। ये मेरा मनी प्लांट देखिए थोड़ा डल सा हो गया है, अभी इसमें कोई नई लीफ नहीं निकल रही है, लेकिन हाँ जो पुरानी है वो अभी बरकरार है। ये मेरा क्रोटन फिर से, ये मेरा वाइट स्टैंड है जिसमें ये लिटिल पर्पल हार्ट्स हैं, नीचे ये सिंगोनियम फैमिली, ये मेरा जेड आर्क, वो पिकॉक सब। हाँ एक और ये दिखाती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत वाइब्रेंट सा कलांचू, ये मैंने बहुत मुश्किल से इस गर्मियों में बचाया है इस पौधे को और अब ये फ्रूटफुल हो रहा है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरा सिल्वर डस्ट का बहुत छोटा सा पौधा, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था
और अब देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें ये देखिए नई ग्रोथ आपको दिखाती है, ये छोटी सी नई ग्रोथ आ रही है और ये बहुत वेलवेटी टच है इसका लीव्स का ना, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में तो है ही और छूने में भी बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। और एक मैं आपको ये दिखाती हूँ, एक सिल्वर डस्ट का मैं दो प्लांट्स लाई थी सिल्वर डस्ट के, एक वहाँ लगा हुआ है एक ही यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा, ये भी इसकी ग्रोथ उससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी है और इसका टच बहुत सुंदर है। एक कलांचू ये है, कुछ कलांचू ये लगे हैं देखिए उसमें, वो वाइट येलो है, ये रेड है, बस इधर उधर लगा लगा के मैंने बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे लगा लगा के इनको सेव किया था। और ये मेरे बनाना ट्री, आपने मेरा लास्ट वीडियोस में देखा होगा कितना अच्छा कितना बड़ा था, ये सब मंकीज ने सब खराब कर दिया। अब इसमें खैर ये नई ग्रोथ आ गई है और एक छोटा नीचे प्लांट है। ये टायर है कुछ DIY स्टूल बनाने के लिए रखे हैं लेकिन फिलहाल नहीं बना पाई हूँ, जब बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरा बुद्धा बैम्बू, मेरा एरेका पाम। और हाँ एक और चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, ये एक हमें पॉजिटिव नोट लेना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे मेरा टिकोमा बेचारा हर साल सर्दियों में झड़ जाता है, मुझे लगता है बस ये तो गया पर, और जब मैं सोचती हूँ कि हाँ अब इसे निकालूँ तब तभी ये नई ग्रोथ शो करता है, ये देखिए। और आपने मेरी लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा कि ये कितना बुशी और कितना फ्लावर से लदा हुआ पौधा था और अब देखिए बिल्कुल कैसा बेजान सा, लेकिन फिर भी अब भी ज़िंदगी के साइन शो कर रहा है। तो इससे हमें ये चाहिए कि चाहे कोरोना की कितनी लहर आ जाए, कितना वो आ जाए, हम सेफ्टी के साथ और जोश के साथ हम उसका सामना करेंगे और ज़रूर हम यहाँ से बच के निकलेंगे हम सब लोग, है ना। तो चलिए इसी नोट के साथ आज इस छोटी सी वीडियो के साथ मैं आप सबको बाय कहती हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।